और केंद्र सरकार दोनों ही जनता के लिए लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं लेकर आती रहती है। जहां एक तरफ राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ राज्य तक सीमित होती है, तो वहीं केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ देश में हर किसी को मिलता है। आज इसी क्रम में हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के बारे में, जिसे पीएम मोदी ने 17 सितंबर 2023 को लॉन्च किया था। इस योजना का मकसद 18 पारंपरिक व्यापारों और इनमें काम करने वाले लोगों की आर्थिक मदद करना और उन्हें सक्षम बनाना है। अगर आप भी इस योजना से जुड़ते हैं तो आपको कई तरह के लाभ मिल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस योजना के अंतर्गत क्या लाभ मिलते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इस योजना से आप कैसे जुड़ सकते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना से कौन जुड़ सकता है? इसके लिए एक पात्रता सूची यानी कि एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसके तहत मोची, गुड़िया और खिलौना निर्माता, नाव निर्माता, राजमिस्त्री, नाई, मालाकार, धोबी, फिशिंग नेट निर्माता और टोकरी, चटाई, झाड़ू बनाने वाले लोग, पत्थर तराशने वाले, लोहार, सुनार, पत्थर तोड़ने वाले, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाले, अस्त्रकार और मूर्तिकार पात्र हैं और ये लोग इस योजना से जुड़ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इस योजना के लाभ के बारे में। इसके तहत भारत सरकार सस्ती ब्याज दरों पर कई प्रकार की कारीगरों को लोन उपलब्ध करवाती है। दरअसल पारंपरिक काम करने वाले कारीगरों को अभी तक बैंक या वित्तीय संस्थानों से लोन नहीं मिल पाता है। इन्हें ही बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत जो 3 लाख रुपए तक का लोन मिलता है वो इकट्ठे नहीं मिलता है, ये 2 ट्रांच में दिया जाता है। पहले ट्रांच में लाभार्थी को 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। इसे लाभार्थी को 18 महीने में वापस करना होगा। इसके बाद उन्हें 2 लाख रुपए का दूसरे ट्रांच का लोन मिलेगा, इसे 30 महीने में वापस करना होगा। अगर आप पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ते हैं तो आपको कुछ दिनों की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके लिए लाभार्थी को रोजाना 500 रुपए का स्टाइपेंड देने का प्रावधान है। साथ ही इसमें इंसेंटिव की भी सुविधा है। लाभार्थी टूल किट खरीद सके, जिसके लिए 15,000 रुपए दिए जाते हैं। बिना सिक्योरिटी और सस्ती ब्याज दर पर पहले 1 लाख रुपए और फिर इसे चुकाने के बाद अतिरिक्त 2 लाख रुपए के लोन की व्यवस्था भी इस योजना के अंतर्गत है। अब लाभ के बाद ये भी जान लीजिए कि आवेदन करने का तरीका क्या है। तो कैसे करें आवेदन? अगर आप पात्रता सूची के मुताबिक पात्र हैं और आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र जाना होगा, जहां पर संबंधित अधिकारी को अपने दस्तावेज दिखाने होंगे। फिर दस्तावेज वेरीफाई किए जाते हैं और पात्रता यानी कि एलिजिबिलिटी भी चेक होती है। जांच सही पाए जाने के बाद आप आवेदन आराम से कर सकते हैं। योजना का लाभकारी बनने के लिए कुछ दस्तावेजों की जरूरत भी पड़ेगी। जाने कौन से हैं वो जरूरी दस्तावेज? आधार कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी के जरिए आप आवेदन कर सकते हैं। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़।